Lekker, dat was het! Hij is in de court. तुम दोनों को पता नहीं है तुम्हारे पास ना कितने खड़ा है वो बच्चे ना कहे। आज के सोडा में आपके साथ ड्रामा सीरियल मैं के कैमरे के पीछे के मनाजिर शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ड्रामा सीरियल मैं की शूटिंग किस तरह की जाती है। इस वीडियो में आपके साथ ड्रामा सीरियल मैं की लेटेस्ट एपिसोड की शूटिंग के मनाजिर शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि सेट पर तमाम अदाकार एक दूसरे के साथ मिलकर कितना ज्यादा फन करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके साथ ड्रामा सीरियल मैं की शूटिंग की मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दो, ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोनों को पता नहीं है तुम्हारे पास ना कितने खड़ा है वो बच्चे ना कहे, जान से काट दूंगी तुम दोनों को। छोड़ोगे नहीं मैं तुम दोनों को, याद रखोगे तुम लोग कितने पाला पड़ा था। दोस्तों, जैसा कि आप सबसे बात जानते हैं कि जब से ड्रामा सीरियल मैं में मुबशरा जफार का डाइवोर्स हुई है, तब से मुबशरा की मेंटली कंडीशन कुछ स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से अपने भाई से भी बुरी तरह से लड़ती हुई नजर आ रही है। आपके साथ मुकम्मल डिटेल और वीडियो शेयर करेंगे कि मुबशरा के अपने भाई के साथ होने वाली लड़ाई की शूटिंग किस तरह की गई और आयजा खान ड्रामा के सेट पर अपने तमाम फेलो एक्ट्रेस के साथ किस तरह का रवैया रखती हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आयशा खान और वहाज अली पहली दफ़ा टीवी स्क्रीन पर एक साथ नजर आ रहे हैं और फैंस उन दोनों के एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जबकि दूसरी जानब बहुत से फैंस का यह भी कहना है, आयशा खान को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो वहाज अली से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हों और दोनों का पेयर अच्छा नहीं है। जहाँ फैंस अक्तर वहाज अली और आयशा खान की केमिस्ट्री को लाइक कर रहे हैं, वहीं साथ साथ क्रिटिसिज्म करने वालों का कहना है कि दोनों को एक साथ कास्ट करना बहुत ही बड़ी गलती है। ड्रामा सीरियल मैं की हर एपिसोड ने ही काफी ज्यादा रेटिंग हासिल की है और फैंस ड्रामा को बेहद लाइक कर रहे हैं। ड्रामा में खासतौर पर आयशा खान का इसके दो यूनिक रोल, जो कि पहली दफ़ा आयशा खान इस तरह का रोल में नजर आ रही है। इससे पहले अदाकारा ने जितने भी करेक्टर किए वो बहुत ही ज्यादा नाइस और डिसेंट थे, लेकिन इस दफ़ा जब आयशा खान को इसके दो डिफरेंट करेक्टर में देखा जा रहा है तो सभी आयशा के इस लुक को बेहद लाइक कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं की बीटीएस की वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और आप सबसे एक दफा फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप इस तरह के मजीद बीटीएस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।